वीवो ने फाइनली लॉन्च कर दिया ये वीवो का T2 Pro। अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जो दिखने में तगड़ा हो, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा हो, देन आप इस वाले फोन को कंसीडर कर सकते हो। सीरियसली ये फोन मुझे काफी मस्त लगा। इसमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का कैमरा OIS के साथ और डायमेंसिटी 7200 मिलता है, जिससे ये एक ऑलराउंडर फोन बन जाता है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं इसके डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सबके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि वीवो ने इन सभी में बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करा है। सबसे पहले आ जाते हैं इसके बॉक्स पे। इसके बॉक्स में ऑब्वियसली फोन मिलता है, एक प्रोटेक्टिव सिलिकॉन केस मिलता है, 6 वॉट का चार्जर है टाइप सी केबल के साथ, और एक सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है। सबसे पहले आ जाते हैं इसके डिजाइन पे। सीरियसली फोन काफी ज्यादा स्लिम है और काफी ज्यादा लाइटवेट भी, हाथ में पकड़ने में काफी मस्त फील देता है, एकदम प्रीमियम वाली फील आ रही है। लाइटवेट और स्लिम होने की वजह से इतना लंबा फोन है फिर भी पकड़ने में काफी कंफर्टेबल फील होता है। इसका बैक पैनल पूरा मार्बल फिनिश के साथ आता है, जो दिखने में काफी खूबसूरत दिखता है। इसके पीछे एंटी ग्लेयर डिजाइन है, जैसे इस पे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं आते, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। कई कई फोन्स में तो मैं इसी की वजह से परेशान रहता हूँ कि भाई थोड़ा सा हाथ लगा नहीं कि बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स आ गए। इतना हल्का होने के बावजूद भी ये फोन हाथों में काफी सॉलिड फील होता है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन्स और पावर बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ सिम ट्रे है और USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स वगैरह है। साथ में ही ऊपर की तरफ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। डिजाइन के मामले में मुझे इस फोन में एक कमी ये लगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ स्पीकर है, ऊपर की तरफ भी स्पीकर होता तो ऐसे वीडियोज वगैरह देखने में काफी सही एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो एक चीज इसमें मिसिंग है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, काफी कंपनीज वाले OLED डिस्प्ले तो दे देते हैं बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देते, वो साइड में आराम से फिंगरप्रिंट सेंसर लगा देते हैं, बट इस फोन में आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और इसके बेजल्स भी बहुत ही ज्यादा पतले, जिससे ये फोन और भी प्रीमियम दिखता है। इसके डिस्प्ले के कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही साथ इसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है, तो इसमें Netflix के HDR सोर्स तो देख ही सकते हो, साथ ही साथ YouTube के 4K HDR वीडियोस भी आराम से देख सकते हो। इसके डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रॉलिंग वगैरह काफी स्मूथ होती है। और हाँ, इसके डिस्प्ले भी काफी ज्यादा ब्राइट है, तो अगर आउटडोर में आप फोन यूज करते हो तो आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब बात करते हैं कैमरे की। सामने की तरफ आपको मिल जाता 16 मेगापिक्सल का कैमरा और बैक साइड में हमारे पास है OIS के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा भी है। आपकी क्रश जैसे आपको इग्नोर करती है, वैसे ही आप इस वाले बोके कैमरा को इग्नोर कर सकते हो। साथ में ये रिंग लाइट भी है, जिसे Vivo Aura लाइट बोलता है, जो कि लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। Vivo बोलता है कि ये नॉर्मल फ्लैश लाइट से 9x बेटर परफॉर्मेंस देता है। हमने इसका यूज करके कुछ फोटोज लिए, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। इसके फ्रंट कैमरे से आउटडोर में मैंने ये कुछ फोटोज लिए, जिसके आप सैंपल्स देख सकते हो। ये नॉर्मल फोटोज है और ये फोटोज है पोर्ट्रेट मोड के। इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और क्वालिटी आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। और सीरियसली मेरे को तो ब्लॉगिंग के हिसाब से क्वालिटी आउटडोर में काफ़ी सही लग रही है। बैकग्राउंड वगैरह भी, डायनेमिक रेंज वगैरह भी काफ़ी सही है, जैसे मैं अगेंस्ट द लाइट हूँ और बादल वादल पूरा क्लियरली दिख रहे हैं। बैक साइड के नॉर्मल कैमरे से ये कुछ फोटोज है। अभी मैं इसके बैक कैमरे से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इसमें मैं मैक्सिमम 4K 30 FPS में वीडियोज रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मैं अभी कैमरे की क्वालिटी देख नहीं पा रहा हूँ। आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप इससे ब्लॉगिंग करना चाहो तो किस तरीके के वीडियोज आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये अगेंस्ट द लाइट है, पीछे बादल है और डायनेमिक रेंज वगैरह देख लेना। काफी लोगों को लो लाइट फोटोग्राफी करनी होती है, तो ये कुछ फोटोज है जो मैंने लो लाइट में लिए हैं और ये मैंने इसका ऑरा लाइट ऑन करके कुछ फोटोज लिया है। इसके कैमरे में मुझे एक डिमेरिट देखी है कि अगर मैं फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट फोटोज लेता हूँ तो कई कई बार ये बैकग्राउंड को बिल्कुल भी ब्लर करता ही नहीं है। आई नो ये सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है जिस वजह से ये हो रहा है और ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स किया जा सकता है, बट मुझे ये एक इशू दिखा तो मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं। तो अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि इसका कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ बहुत मस्त है। अब बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। इसमें MediaTek का Dimensity 7200 मिलता है, वो भी 4 नैनोमीटर वाला। UFS 2.2 की स्टोरेज है और LPDDR6 का 8GB RAM है। BGMI में स्मूथ पे आप 60 FPS तक खेल सकते हो। COD वगैरह भी आप हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे। इसके गेमिंग मोड में आपको वॉइस चेंजर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप रैंडम पीपल के साथ खेल रहे हो तो काफी मजेदार रहता है। इसमें 4D वाइब्रेशंस भी है, जिससे आप बंदे मारोगे तो आपको पूरा हाथों में वाइब्रेशन फील होता है, जो कि काफी सही फील देता है। अब इस फोन की बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 4200 mAh की बैटरी मिल जाती है और मैं इसको पिछले 2-3 दिन से एज ए पर्सनल फोन यूज कर रहा हूँ और सीरियसली बताऊँ तो सुबह फोन चार्ज करता हूँ तो आराम से ये रात तक चल जाती है। और मैंने स्क्रीन ऑन टाइम चेक करा था तो मुझे 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाता है। और ये फोन आता है 66 वॉट के चार्जर के साथ, जिससे ये फोन 0 से 50%
तक 20 से 25 मिनट में आराम से हो जाता है। फास्ट चार्जिंग एंड्रॉइड फोन के यही फायदे हैं। आप नहाने जाओ या वॉशरूम जाओ, मस्त फोन चार्ज में लगा के जाओ, आपका फोन फटाक से चार्ज हो जाता है। वहीं पे अगर आप मेरे तरह एक आईफोन यूजर हो तो आपको एक से डेढ़ घंटे आराम से बैठने पर जाते हैं, तभी आपका फोन अच्छे से चार्ज हो पाता है। अब काफी लोगों का सवाल रहता है कि भाई फोन में जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है उसमें ब्लॉटवेयर कैसे हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो सीरियसली बताओ तो फन टच ओएस काफी अच्छा मुझे लगा, इसमें ब्लॉटवेयर बहुत ही कम है, मुश्किल से आपको 3-4 एप्स दिखेंगे जिससे आप आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हो। एक्सपीरियंस पूरा क्लीन है, अब तक मुझे कोई एड्स वगैरह नहीं दिखे। सीरियसली अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इसका डिजाइन सीरियसली बहुत ही ज्यादा मस्त है, बहुत ज्यादा स्लिम है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। और एक चीज सबसे मस्त ये है कि अगर आप इसमें कवर लगाते हो फिर भी आपको फील नहीं होगा कि आपने इसमें कवर लगाया। ये फोन इतना स्लिम है कि कवर लगाने के बाद भी स्लिम ही रहता है, देखो बहुत सही चीज है ये। एंड सेकेंड चीज ये है कि कर्व डिस्प्ले है, तो अगर आप वीडियोज वगैरह देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह एंजॉय करना चाहते हो या फिर मूवीज वगैरह देखना चाहते हो तो कर्व डिस्प्ले पे वो बहुत ही मस्त दिखता है। ये फोन काइंड ऑफ एक ऑलराउंडर फोन है, आपको एक अच्छा डिजाइन मिल रहा है, अच्छा बैटरी मिल रहा है, अच्छा कैमरा मिल रहा है, सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। तो अगर ये फोन 25,000 के करीब में लॉन्च होता है देन इस फोन को आप आंख बंद करके आराम से ले सकते हो। बाकी आपको इस फोन के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ, और ऐसे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लेना।